असल में हमारी इंडस्ट्री में आशिकी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी, लेकिन आज एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका नाम सुन के लगता है कि पूरा शहर आशिकी कर रहा है। अच्छा। चंडीगढ़ करे आशिकी। हालांकि ये सच नहीं है, चंडीगढ़ आशिकी नहीं कर रहा है, चंडीगढ़ में एक बंदा है जो दबा के आशिकी कर रहा है। आज वो बंदा अपनी बंदी के साथ हमारे शो पे आया हुआ है। प्लीज वेलकम, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, दोनों ही बड़े कमाल के हैं, प्लीज वेलकम आयुष्मान खुराना एंड वाणी कपूर। धन्यवाद। ऑडियंस हमारी पहले ही जोश से भरी पड़ी थी, आप दोनों को देख के ना एक भाई साहब उठ भी नहीं रहे थे, जैसे ही वाणी को देखा कहते ओह। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है, मैंने देखा पाजी, लुक वाइज भी और फन मस्ती ये वो, बॉडी क्या बनाई पाजी आपने, वाह यार, थैंक यू, सुपर। पहले एक बात बताओ, यहाँ पे आप कम आशिकी कर रहे थे जो चंडीगढ़ पहुंच गए आप? उधर क्यों गए, वेदर ज्यादा अच्छा है उधर? ज्यादा इस टाइम पे बहुत अच्छा है। हाँ, एक्चुअली पाजी ने ये तो कह दिया कि चंडीगढ़ करे आशिकी। हाँ। तो ये जो बलिया, रतलाम, भुवनेश्वर, ये लोग क्या करें पाजी, वो भी आशिकी करें और क्या करें। हाँ। चंडीगढ़ तो बस नाम के लिए है, पर पूरे भारत वर्ष की आशिकी हम फैलाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा शहर आशिकी करे ऐसे? हाँ, शहर में कई शादीशुदा भी होते हैं, उनका क्या करें? करो आशिकी, कौन रोक रहा है आपको? पक्का? हाँ जी, आई होप यू डोंट माइंड। आयुष्मान पाजी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है प्रोड्यूसर के खर्चे पे। नहीं मैं प्रोड्यूसर के खर्चे पे नहीं पाजी, मैं पूछना चाहता था कि आपको पूरा पेमेंट मिला है? प्रोड्यूसर साहिबा यहाँ पे मौजूद है, कि उन्होंने ये कहा कि देखो जिम, पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोटीन शेक, मसाज, वैक्सिंग का सब मिला के काट के यही बचे हैं, ये ले लो ऐसे। वाह, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ इंक्लूसिव था यार, मजा आ गया, मतलब थैंक यू सो मच गाइस। कितनी ब्यूटीफुल फिल्म है और प्रोड्यूसर भी कितनी ब्यूटीफुल है, वाओ। आप शुरू से ही इतनी फिट हैं कि खर्चा ज्यादा हो गया तो किस लिए कमजोर हो गई? खर्चा डेफिनेटली ज्यादा हो गया आयुष्मान, लेकिन बॉडी भी इतनी कमाल की बनाई है तो इट वाज वर्थ इट। और फिल्म भी आपने बहुत कमाल की बनाई है, बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। पाजी आपके डोले वोले देखे मैंने आयुष्मान बाजी के, बड़े पर जितने मर्जी डोले बना लो, अर्चना जी के सामने फेल है सब। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैं देखा शूटिंग के बाहर खाना खा रहे, नारियल रखे ना यहाँ पे रखे, उसका कोकोनट मिल्क निकाल दिया। वाह वाणी जी, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। मेरे को ना ज्यादातर हीरो बोलते, तू हीरोइन की तरफ बड़ा ध्यान देता, हमसे तू बात नहीं करता, इसलिए मैंने आते इनसे दो सवाल पूछे। अब मेरा सारा दिन फोकस आप पे ही है। तो मैं बेशरम, क्या बुद्धि है यार, बेशरम, बड़े बेशरम गाय, यू वांट टू से, इशारा समझ ले। नहीं, ये मेरी बात बताएं आप एक जी, चंडीगढ़ वाले के साथ आप आशिकी कर रही हैं, अमृतसर वाले कहां जाएं, बॉर्डर क्रॉस कर लें? नहीं, आशिकी तो आयुष्मान कर रहा है, मैं तो सिर्फ जुम्बा सिखा रही हूँ। ऐसी ट्रेनर होना, मैं सारा दिन एक्सरसाइज करता रहूं। सीरियसली पाजी, देखो जुम्बा कर लिया। हाँ जी, मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिक्चर में, क्रॉस फंक्शनल एथलीट हूँ, तो आप पुशअप्स थोड़ा मेरे साथ कर देना। यस, आई एम टीम कपिल। पाजी, रिलेशन थोड़ी खराब करने हमने, ये मेरे अपने से नहीं होगा, अपना फिल्म की प्रमोशन चल रही, अच्छी ट्रेलर आया, आइए बैठ के बात करते हैं, आइए आइए प्लीज। आप इधर हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा उधर जा रहे हो। नहीं, मुझे लगा था ये इधर आएंगी, कंफ्यूजन बड़ी है भाई। देखो, आपने तो 40, 50, 60 दिन साथ में काम किया, हमारे पास तो ये एक दो घंटे होते हैं, गरीब आदमी का इतना ही है। कौन गरीब, कमाल है यार, ऐसी गरीबी भगवान सबको दे, सबको दे। वाह वाणी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं। हमारे इस सीजन में दूसरी बार आई हैं ये। Yes. दूसरी बार आप मुझे लाइव देख रही हैं, कैसा लगता है इस मुकाम पे पहुंच? विश्वास ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब नहीं, कहीं आपका क्रश तो नहीं मेरे पे?
मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस काफी एविडेंट है ना लड़कियां कई बार बताती नहीं लड़कियां अब मैं इनसे पूछूंगा ये मानेंगी नहीं आपका क्रश है मेरे पे बताओ देखना मानेंगी नहीं अंदर ही अंदर घुटती रहती है बताती नहीं है किस मुंह से सच बोले बंदा बताओ मेरा दिल क्रश हो चुका है आपको देख देख कर देखा पाजी रेड एंड व्हाइट पहनने वालों की बात ही कुछ और है पाजी आप अपनी हर फिल्म में कोई नई बात कहते हैं इस फिल्म में क्या नया कह रहे हैं आप कोई मैसेज भी है इसमें ऐसा और पाजी ऑफ कोर्स हर एक फिल्म में मैसेज होना जरूरी होता है हम कोशिश करते हैं कि हर एक फिल्म में एक वैल्यू एडिशन हो समाज को कुछ बोला जाए कुछ टिप्पणी दी जाए कॉन्वर्जेशन हो सोसाइटी में इस फिल्म में ऐसा कुछ है लेकिन फिल्म देख के आपको पता चलेगा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये जी जी एंड इट्स एन आई ओपनर लोगों को देखकर मजा आएगा एंटरटेन भी होंगे एक मैसेज भी लेकर जाएंगे एंड दे लव इट वाओ मानी आपकी पहली फिल्म है आयुष्मान पाजी के साथ जी फिल्म में इमोशन भी है रोमांस भी है जी दोनों में से कौन सी चीज ये बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं आई मीन ये बहुत इमोशन के साथ रोमांस करते हैं वाह हमने बादाम रखे ही हैं इन्होंने खाए हैं इतना स्मार्ट आंसर वाह फिर रोमांस भी इमोशन होता है और क्या बिल्कुल पाजी बहुत ज्यादा होता है मेरे में ये वाला इमोशन बहुत ज्यादा है मेरा निकल नहीं रहा है बस ये फिल्म में ना आयुष्मान वाणी को देखने के चक्कर में नाक तुड़वा बैठते हैं होता है देखा बहुत बार खूबसूरत लड़की जा रही हो तो बंदे का ध्यान चला जाता है कभी कभी आपके साथ रियल में कभी ऐसा है कोई आदमी वैसे बेचारा दही लेके जा रहा हो आपको देख के नीचे गिर गया दही की थैली फट गई हो ऐसा होता है ना कई बार देखो खूबसूरत लड़कियों को पता तो होता है मैं खूबसूरत हूँ हो सकता है पर नोटिस नहीं गया वाह देखती नहीं इधर उधर ऐसे ऐसे चलती है जिम में होती है ऐसे वर्कआउट कर रही होती है कहीं उसे पता नहीं क्या हो रहा उनकी जैकेट जैसे पहले सफेद थी लाल होगी शर्म से उनको देख के पता ही नहीं इसको लड़कियां बिल्कुल फोकस हो लड़के होते हैं जिम में भी जाएं तो इधर उधर देख रहे हैं और कौन कर रहा है और फिर वैसे घूमते रह जाए लड़की को देख के चार डंबल ज्यादा उठा लेते हैं ना कई बार उसी टाइम पे जाते हैं ना जब लड़कियां खूबसूरत आती हैं मुझे इतना जिम चेंज करना पड़ेगा आप कौन से जिम में जाते हो मैं आपको लगता है मैं जिम जाता हूँ नहीं मैं जाता हूँ कभी कभार आयुष्मान की आपने पिछली जो फिल्में देखी आपने हमेशा नोटिस किया होगा ये बड़े अलग अलग चीजें करते रहते हैं ड्रीम गर्ल में ये लड़की बनके लड़कों से फोन पे बात कर रहे हैं रोमांस कर रहे हैं शुभ मंगल सावधान ज्यादा सावधान में तो डायरेक्ट लड़के के साथ ही प्यार कर रहे हैं इसमें एक लेवल और आगे बढ़ गए हैं ये भाजी फिल्मों में आपको ज्यादा रोमांस करना पसंद है कि एक्सपेरिमेंट भाजी फिलहाल जो आपने बताया है ना जी वो रोमांस के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी बट आई थिंक जब तक कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो कुछ नई चीज ना हो ऑडियंस ने ऐसा कुछ देखा ना हो पहले राइट तो जब तक वो ना हो ना तो मजा नहीं आता एक्चुअली बड़े अच्छे सब्जेक्ट चुनते हो भाजी आप सो मित्रों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक कपूर अभिषेक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया हुजूर बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं अभिषेक सर ने शुक्रिया और ये फिल्म भी सर मैं आपको बैकस्टेज भी बोल रहा था लुक वाइज फील वाइज और आयुष्मान पाजी वाणी बहुत ही ओवरऑल फिल्म बड़ी ही प्यारी लग रही है सो आपको बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया सर तो सर ये चंडीगढ़ करे आशिकी चंडीगढ़ ही क्यों सब्सिडी मिलती है उधर सब्सिडी नहीं मिलती है मगर बहुत अच्छे लोग मिलते हैं बहुत अच्छा खाना मिलता है मौसम बहुत अच्छा होता है और बहुत छूट मिलती है एक खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए वाह मजा आया होगा ना पंजाब में शूट बहुत ज्यादा बहुत क्या डिफरेंस लगता है भाई जब मुंबई में शूट करते हो या पंजाब जाके आपने शूट किया एक्चुअली चंडीगढ़ आप जाएं तो इतना खूबसूरत शहर है वो और उसके पानी में भी कुछ है यू नो वहाँ पे पराठे बनते हैं तो मर्जी हैवी खा लो डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी बिल्कुल 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 ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये मुंबई में रहने वाले लोगों को होती है जैसे ना बड़े शहरों में बिल्डिंगों में ज्यादा चलना भी नहीं एक चपाती खा के बोलते आई थिंक देयर वाज समथिंग इन द वाटर आई थिंक द वीट वाज नॉट वेल हमारे उधर लोग कहते हैं डिनर करना अभी तो पराठे खाए थे वो तो वैसे ही दो पराठे खाए थे डिनर तो करना है हमारे लोग इतना खा लेते हैं पर वाकई मेरे को तो मेरे दिमाग में घूमने लगी पाजी चंडीगढ़ की चीजें भाजी अभिषेक सर ने काई पोचे की शूटिंग जो की है गुजरात में की थी रॉक ऑन की मुंबई में करी
फितूर इन्होंने कश्मीर में शूट की, केदारनाथ के लिए उत्तराखंड गए। ये पंजाब वाला पहले से डिसाइडेड था आपका कि कोई पैकेज ले रखा था आपने? नहीं नहीं, ये एक्चुअली फिल्म दिल्ली में सेट थी। आई मीन यू नो, लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद और कोविड के दौरान इतना डर था तो, और दिल्ली शहर इतना क्राउडेड रहता है कि लगता था कि यार वो फिल्म बनेगी कैसे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और ये आयुष्मान का आइडिया था कि हम व्हाई डोंट वी मूव दिस टू चंडीगढ़। अभी मुझे नहीं पता था कि अपने घर जाना चाहते हैं वहाँ पे, बट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड अप देयर। ये फिल्म में जो जीप खींच रहे हैं जी आयुष्मान पाजी जी, उन्होंने कहा नहीं फिल्म में इतना पैसा डाल रहे हो तो जीप में तेल क्यों नहीं डलवाया? जो आपने पकड़ा है ना लुक आपका, वो मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी वाले लड़के होते ना जो गेड़ियां मारते हैं बुलेट मोटरसाइकिल पे, वो मेरे को नजर आया वो बंदा। यार क्या बात है, पूरा घुसे हो आप करेक्टर में। भाजी वो तो आसपास दोस्त ही मेरे सारे ऐसे हैं। हाँ। क्या करूँ, उनमें से एक को पकड़ लो, उनको देख लो, सारे ऐसे के ऐसे। एक्चुअली जिम जाते हैं ऐसे ही। हाँ। चलते हैं बस, मूछ यहाँ पे होती है ऐसे। और मूछों पे भी जेल लगा लेते हैं। मैंने लगाई भी जेल होती है, मूछों जेल लगाई, चमक रही होती मूछ उनकी, थोड़ा सा ऐसे लाइट मारो तो क्यों चमकती है मूछ। आयुष्मान खुराना जी, वाणी कपूर जी, अभिषेक कपूर जी, यारो चंडीगढ़ करे आशिकी, वेरी गुड ट्रेलर। कैसे हो ब्रदर? खड़े हो यहाँ, बैठने दो ना थोड़ा। आप ज्यादा हिला ना करो, मुंह गिर जाएगा आपका किसी दिन। आइए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं अर्चना जी, मैं आपका हमेशा से फैन रहा हूँ। क्या फिल्में करते हैं यार, क्या फिल्म है? ड्रीम गर्ल। हाँ। उसमें आपने जो लड़की की आवाज निकाली, ओ हो हो, मुझे मेरी सबसे पहले वाली गर्लफ्रेंड की आपने याद दिला दी। अच्छा। उसकी आवाज भी ऐसी थी? नहीं नहीं, वो भी लड़का था। लड़की बन के सबको उल्लू बना रहा था। अच्छा अच्छा। देखिए आज के इंटरनेट के टाइम पे कोई नहीं कह सकता कौन लड़का है कौन लड़की है। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट के टाइम पे ना दो बातें हैं सर, दो बातें हैं, किसी को हमें बतानी नहीं चाहिए। कौन सी? देखो तीसरी बात है कि आप दो, पहली दो तो बताओ। नहीं नहीं, वो तो नहीं बतानी चाहिए ना। मैं क्यों बताऊं, कमाल की बात कर रहे हैं यार। गिव मी अ मिनट ना वाणी जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्या कर रहे हैं मोबाइल पे आप? मैं यार सर्च कर रहा हूँ, हाउ कैन एन अनफिट गाय इम्प्रेस अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू अ फिट गाय। सर मैं कह रहा था, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आई एम कंफर्टेबल, मुझे देखिए It'll happen. एक मिनट, एक मिनट। One, two, three. That's nice. Good one, Kiko. Good one. Thank you. Oh. Good one. मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा। ओहो। आयुष्मान जी, मैंने ट्रेलर में एक स्पेसिफिक सीन देखा, वेरी नाइस। वो सीन जो है, ये ऐसे वजन उठा के नीचे आ रहे हैं, कैमरा पीछे है वो भी नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहे हैं कैमरा नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहे हैं कैमरा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा जूम ट्रॉली होता है और साउंड। We would just like to know, कि ये जो साउंड है ये एक लाइव परफॉर्मेंस है कि ये एक डबिंग में मैनेज किया गया है? Because we are just guessing. No, guessing नहीं, we are just guessing. We are just guessing. बाजी जी, आई डोंट एंडोर्स टॉयलेट ह्यूमर बट इट्स नेचुरल, क्या करोगे यार अब? इट वाज ब्यूटीफुल, इट्स नेचुरल, आई वुड से इट वाज रिदमिक, रिदमिक, या ऐसी बातें करनी, तो आप अभी निकलिए यहाँ से। नहीं, ऐसी बातें करनी, लेकिन करनी यहीं पे हैं। तो एक मेरे पास शेर आया है दिमाग में, मैं अर्ज कर दूँ।
कर दो सर। अर्ज किया है, लड़की लड़की की डीपी देख के मेरा दिल धड़का था। देखा उसका आधार कार्ड, फिर मैं उस पर बहुत भड़का था। वाह, हमेशा होता है, बहुत खूबसूरत। डीपी कुछ और होती है, आधार कार्ड एक अलग ही कहानी कहता है। क्या बात है, लेकिन वकील साहब बहुत ही मतलब लानत है आपकी ऐसी शायरी पर। लाहौल मिला कुआ। वाणी जी, आप पिछली बार यहाँ पे अक्षय कुमार जी के साथ आए थी। जी। आज आप आयुष्मान जी, अभिषेक जी के साथ आए हैं। आपको अगर मुझसे मिलना है ना, तो उन बहानों की जरूरत नहीं है। अरे आपको तो फिल्म बनाने की भी जरूरत नहीं है, जरा सा गाजर का हलवा बनाइए, मैं पढ़ जाऊंगा। मैं बहुत ही ऐसे वैसे घर का हूँ, मैं तुरंत फट जाता हूँ। साधारण इंसान, कुछ नहीं रखा है मुझ में। वकील साहब, ये सब जो बातें करते हो ना, आपको बहुत पड़ेंगी किस दिन, मैं बता रहा हूँ आपको। पड़ेगी? हाँ। दुख, दर्द, पीड़ा, पेन। आगे? मैं आगे कुछ नहीं, पेन बोल ना, मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैं पेन से लिखना चाहता हूँ। पेन में नहीं है हमारे पास। लेकिन एक देखिए, ऊपर वाले का क्रम देखिए, ये कॉम्बिनेशन क्या बनाया ऊपर वाले ने, खूबसूरत आप और मैं। ओरिजिनल ब्यूटी, हैंडसम हंग। आपको पता है, इनकी बीवी हर साल व्रत रखती है इनकी लंबी उम्र के लिए, और दिन में 6 बार तोड़ती है, इनको फिर भी नहीं कुछ हो रहा। ऐसी बात नहीं है, वो अंदर से मुझे बहुत प्यार करती है, सारी फिल्में मेरे साथ देखने जाती है। अभिषेक जी, जी। आपने रॉक ऑन की थी जी, कल मैंने फैन ऑन किया था। ये क्या बात हुई? नहीं, हर बात में बात हुई जरूरी नहीं है यार, कभी कभी गर्मी हुई तो फैन ऑन हुआ, ये बात हुई। बोले वाणी जी, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी हमें बातें करने देगा। हम ना डिनर पे चलते हैं, वहां बातें करेंगे। आप ट्रेडमिल पे चलो, डिनर पे क्यों चलना है? क्यों भाई, ट्रेडमिल पे क्यों चलूं? वैसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा हो जाओगे, फिट फिट हो जाओगे। फिट? हाँ। I'm telling you, very frankly, ये जो फिटनेस है ना, it's nothing. अच्छा। फिटनेस is all in the mind. सब यहाँ पर है। क्या है ये फिटनेस? मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ये यहाँ पे फिट बैठे हैं, लेकिन अंदर से ही सैड। How can you say that? I'm telling you. How can you say? ये रो रहे हैं, ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश यहाँ पे दो गरम गरम समोसे होते। Yeah, that could be a possibility. ये तली हुई मिर्ची के साथ। ये बहुत सही बोला है इन्होंने। ये बहुत सही बोला। सोच रहे हैं यहाँ पे एक गुलाब जामुन की बाल्टी होती और मैं उसमें कूदता। ये चल रहा है इनके दिमाग में। लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ट्रेनर, ये ट्रेनर कहते हैं कि भाई सलाद खाओ, उबले हुए अंडे खाओ, सुबह 4 उबले हुए अंडे खाओ, शाम को 4 उबले हुए अंडे खाओ। बट यू वोंट बिलीव, मेरी माँ लौकी लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी, लौकी की सब्जी खाओ। इतनी लौकी की सब्जी खिलाती है मुझे मेरी माँ, लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी। और मैं आप कह रहा हूँ, ये माए लौकी की सब्जी पर रुक नहीं रही है, वो लौकी की बर्फी, लौकी के हलवे तक पहुंच चुकी है। लौकी का हलवा अच्छा होता है? नहीं 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 नहीं, ब्रदर ब्रदर नहीं। अब अगर किसी ने गलती से, मैं चेतावनी दे रहा हूँ दोस्तों, गलती से अगर किसी ने मुझे लौकी की केक या लौकी का डोनट खिलाया, मैं उस इंसान का वध करूंगा। I will kill him. आप ना लौकी पढ़ाई कर लो। लौकी ये आपके मतलब का, आपके लेवल का जोक। मैं समझ गया, यहाँ पे आया। अगर आपको कोई देता है ऐसी सब्जियां तो मना कर दिया करो ना। मना करो तो उसकी क्वालिटीज गिनाते हैं क्या? वो अपना इसमें आयरन है, फाइबर है, पोटेशियम, कैल्शियम, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लौकी है क्या आयुष्मान खुराना? इतनी सारी क्वालिटीज एक चीज में क्या हो सकती है? और अगर है भी, मान लो कि लौकी में सारी चीजें हैं,
ओ मेरे दोस्त उन क्वालिटीज को निकालो आलू में डालो मैं आलू खाऊंगा आई लव आलू ज्यादा आलू अच्छा नहीं होता वकील साहब सेहत के लिए ए ना नहीं शर्मा ये नहीं शर्मा नहीं 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 आलू के बारे में गलत नहीं सुनूंगा मैं शर्मा आलू इज नॉट ए सब्जी इट्स ए कॉन्सेप्ट हमें आलू आलू के चिप्स आलू के वेफर आलू का पराठा आलू का सैंडविच आलू का भुजिया आलू की सेव आलू का भजिया आलू का पकौड़ा आलू आलू इज ए मल्टीवर्स यूनिवर्स मल्टीवर्स मल्टीवर्स क्या बात है वकील साहब आई लव यू आलू वकील साहब ये वाह कितना मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ गेट आउट जब से आए आलू ये है आलू वो है मतलब अब मल्टीवर्स से कल्टीवर्स चलिए खैर मैं जाता हूँ मुझे जाना है लेकिन मैं एक बात वाणी जी शेयर करना चाहूंगा मैंने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा तो उसमें कैसे होता है ना पहले बातें होती हैं फिर जरा डांस होता है वैसे ही हमारे शो का भी ये लोग यहाँ पे एक प्रोमो बनाते हैं तो बातें बातें वाला पार्ट है ना वो उन्हें मिल गया है हाँ अच्छा तो अब जो डांस डांस वाला पार्ट है थोड़ा हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो उसके लिए ना आप प्लीज वो एक रिक्वेस्ट है स्कूटर की किक मार के जो आप ऊपर गए थे ना वो एक बार फिर से दिखा दो हाय हाय ओके पब्लिक डिमांड है भाई हाँ पब्लिक डिमांड देखो ऐसे होता नहीं तो देखो हाँ. ये हुआ नहीं ये Thank you very much. I love you. वकील साहब एक बात बताइए हाँ जी ये पजामे में टांगे आपने कब डलवाई थी बड़ा मजा आया थैंक यू वाणी जी मिलते हैं शुक्रिया अभिषेक सर आप सोशल मीडिया पे हो थोड़ा बहुत मैं हूँ पोस्ट वोस्ट करते रहते हैं आप जी आजकल कर रहा हूँ पर बिजी भी रहते हैं तो आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा पोस्ट के नीचे कमेंट्स क्या आते हैं नहीं होता टाइम हम विले हैं हम ये सब करते रहते हैं हम आपको कुछ आपकी पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं जिनके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स क्रिएटिव कमेंट्स हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई हमारा शो देख देख के दिखाइए जरा आयुष्मान पाजी की फोटो है मॉम योर सन कॉट द गोल्डन सन नाइस आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं भैया ऑर्डर लिखो बटर चिकन और दो तंदूरी नान और डेजर्ट में रसमलाई लाना अगला वाला पढ़ते हैं जरूर बगल वाली गाड़ी से कोई लड़की देख रही है तभी भाई ने पोज बनाया है भाई ऐसे नहीं है ये बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है ऐसा बिल्कुल कमेंट ना करें आगे से और आगे दिखाइए बंदा कमिटेड है शूटिंग पे लेट हो गया तो फोन के आगे ही एक्टिंग शुरू बहुत आगे जाएगा चंडीगढ़ से मुंबई तो आ गया अब क्या श्रीलंका जाएगा जब गाड़ी लोन पे हो और ठुक जाए ओ, आगे दिखाइए रेड और रैड रैड का क्या मतलब होता है वाणी रैड मतलब रैडिकल रैड मतलब कपिल शर्मा ओहो सीरियसली सीरियसली रैड का मतलब क्या होता है रैडिकल 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 मींस लाइक रियली गुड इट्स रैड ऐसे पोज लड़कों को क्यों नहीं आते हैं? क्या ब्यूटीफुल पोज है आइए कमेंट्स पढ़ते हैं इनके नीचे हाँ सही है मैडम पीछे रखे हुए गिटार से भी ज्यादा स्लिम हो गई हैं आप जीरो फिगर के चक्कर में ना पड़े इस दुनिया में समोसा कचौरी और मिर्ची वड़ा भी इंसान ने ईजाद किए हैं उन्हें सेवा का मौका दें बल्लू कचौरी वाला जवानों लड़की से ध्यान हट गया हो तो पीछे भी देखो बाल्टी में पौधा कौन लगाता है और दिखाइए कूल कॉन्सेप्ट
Wow, it's not what you look at that matters. It's what you see if you change the way you look at things so long. Let's read the comments. एक सेकंड ये सर क्या मतलब है ये पोइट्री है या आपने कहीं लिखा पढ़ा था तो आपने इधर चेप दिया इसका मतलब क्या है सर अब तो मुझे गलती लग रही है हैशटैग थ्रोबैक आइए कमेंट्स पढ़ते हैं ऐसे प्राणी बर्फ वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं भाई साहब ठंड से बचना है तो बच्चन साहब वाला थर्मल पहन लो तो फिर बच्चन साहब क्या पहनेंगे बच्चन साहब वाला थर्मल क्या ऐड करते होंगे ना हाँ ऐड करते हैं आगे आगे दिखाइए जब वेकेशन के टाइम पे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो और कैमरा ऑन हो जाए तब यही होता है बाबा आपका नाम क्या है आप कौन सी गुफा में पाए जाते हैं मुंह पे तो दाढ़ी रखी रखी है सर पे भी दाढ़ी रखी है दिखाइए आगे और जिस रास्ते पे कोई चलता नहीं वो रास्ता हम पकड़ लेते हैं और उस पर बैठ भी जाते हैं क्योंकि उस रास्ते पर कोई आएगा भी नहीं द रोड लेस ट्रैवल हाँ जी कमेंट्स पढ़ते हैं फिर कौन है अनुभव सर हैं यस मेरे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं जब मैं चार पैक डाउन होता हूँ जब सड़क बनी है तो लोग आएंगे भी अभी गाड़ी आएगी उठ जाओ इतने बड़े लोगों को रास्ते पे नहीं आना चाहिए काम करो अच्छा वक्त भी आएगा सब ठीक हो जाएगा और दिखाइए और भी है ज्यादा पैसा मांगने पे प्रोड्यूसर ने दोनों को गाड़ी से उतार दिया और दिखाइए Work with a side of pancakes. दिखाइए जरा comments. It's cinnamon. PG में रहती हो क्या? इतना फैला रखा है. और फिर लड़कियां बोलती हैं, I don't have anything to wear. That's true. True. मतलब हीरोइन का भी सेम ही हाल होता है. कमरा साफ रह ही नहीं सकता. पलंग पर भोजन करने से शादी का योग देर से बनता है. और वो इस काम रिजिस्ट गुड आइडिया वाह कमेंट्स दिखाइए जरा बता तो देते जैकी दादा परेशान हो रहे हैं टाइगर लापता है टाइगर की फोटो असली नहीं है ऐसी ही मेरी फोटो नोरा के साथ है ये असली टाइगर है अभिषेक सर नहीं ये कुछ पोस्ट में किया है कुछ अच्छा असली होता तो मतलब हाँ एक्चुअली आप शेर की जगह होते शेर आपकी जगह होता असली होता तो और दिखाइए ओ वाव मैन सफेद से एक चांद पे पाजी ये बड़ी खूबसूरत पोएट्री है आप ही पढ़े प्लीज प्लीज सफेद से एक चांद पे शाम श्वेत से कुछ दाग है अनसुनी मेरी आवाज थी कुछ अलग ही मेरा राग है खुद की खोज में जुटा रहा ये अजीब ही फिराक है गिर गिर के सीखा हूं मैं क्या नसीब है क्या भाग है वेरी नाइस ब्यूटीफुल पाजी क्या बात आइए नीचे क्रिएटिविटी देखते हैं दिखाइए जरा आपकी इस शायरी में सफेदी की चमकार है थोड़ा इसमें समीर है थोड़ा सा गुलजार है वाह वाह ओह सर आप एकदम गजब लग रहे हो हॉलीवुड का कंपाउंडर और दिखाइए सर रेलवे की आठ सफेद चादरें गायब हैं लगता है कल रात को क्रिश वॉशिंग मशीन में धुल गया हाय मेरा वाइट नर वाइट अच्छा व्हाइटनर और दिखाइए ये मेरे टाइप का व्हाइटनर यस टोटली फीलिंग इट दिखाइए जरा कौन कहता है मैं खाती नहीं हूँ यार यू कंस्टेंटली ईटिंग एक्जेक्टली इंस्टाग्राम पोस्ट इसे खाना होता है पपी नहीं देनी होती
हाँ हाँ हमारी हीरोइन बर्गर भी खाती है. फोटो में दिखाया गया बर्गर VFX ग्राफिक्स से बनाया हुआ नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल है. इस स्टंट को दूसरी हीरोइन ट्राई ना करें, ये फोटो डाइटिशियन की निगरानी में लिया गया है. और दिखाइए. अरे यार खत्म हो गई. भाजी हमारे सोनी टीवी में एक किड्स सेक्शन है, अगर आप कहीं सोनी के ऑफिस जाएं तो उनकी तरफ से भी कुछ सवाल आते हैं, क्योंकि हम बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं शो को. तो उन्होंने बताया है कि जैसे आप फिल्म में जीप खींच रहे हैं, अब जीप तो आपने खींच ली, अब हम जीप के साथ एक फन मोमेंट करेंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है. तो जीप के साथ नाक को टच करना है बेसिकली. ट्राई किया बहुत बार, नहीं होता. वाणी आप ट्राई करके देखो. नहीं होगा. करके तो देखो. ये इस लुक के साथ नहीं जाएगा वो एक्सरसाइज. अच्छा अच्छा अच्छा, बट एक टंग ट्विस्टर है. क्या? रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. दोबारा. रोड रोलर, रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. रोड रोलर, लोड रोलर, अपर लोअर, रोड लोड, अपर लोअर, बाकी सब रोलर. अलग अलग साथ में बोलना. रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. लोलर. शुरू से बोलो ना. भाई रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. रोड रोलर, अप, रोड रोलर, अपर रोलर, लोड रोलर, लोअर रोलर. रोड रोलर, लोड रोलर, रोड लोअर. ये रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. तो अभिषेक सर जी, रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर. नॉट बैड. व्हाट अ गाय, व्हाट अ गाय. नॉट बैड. इस सवाल के लिए सोनी टीवी की तरफ से एक एक और मोमेंट क्रिएट करते हैं. अच्छा. हमने ट्रेलर में देखा ना, जैसे सब लोग लगे हुए हैं आयुष्मान के पीछे कि शादी कर ले, शादी कर ले. ही इज लाइक, सो मे बी द व्यूअर्स वुड लाइक टू सी कि तुम अगर शादी के लिए हाथ मांगने जाते किसी लड़की के घर तो कैसे मांगते. तो लेट्स हैव अ मोमेंट वेयर वाणी के घर तुम आए हो हाथ मांगने और ये खड़ूस बाप है. मैं बाप हूँ. स्क्रिप्ट. इम्प्रॉम्प्टू यार, कम ऑन. ये आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्ट, आउट ऑफ सिलेबस बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? तो लड़की का बाप तो लड़की के इधर ही बैठा होगा घर पे. बाप घर पे बैठा है. आप आओ ना बाहर से, आपको तो रिश्ता लेके आए. ही जस्ट वांट्स टू आउट. मुझे एक सेफ चाहिए एटीट्यूड हम में. बेटे जी, मेहमान देख के फ्रूट रखना आगे. जिनसे हमारी बनती है उनके आगे सेब रखने हैं, जिनसे हमारी नहीं बनती दरवाजा नहीं खोलना. आज कौन आ रहा है? मैं सुना सबर का फल बड़ा मीठा होता है, मेरे को बैठने दो यहाँ पे. सबर का, सबर के फल के साथ बैठने का क्या लेना देना. मैं अपनी माँ की कसम खा कहता हूँ, मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे. लेकिन अकेला बेटे तुम आए कैसे, दरवाजा तो बंद था. और लेट मी कम टू द ड्राइंग रूम, अभी मैं बाथरूम में हूँ. देखो मैं आपके एप्पल में कीले लगा दूंगा, पाइन एप्पल बना दूंगा आपका. ये तुम्हारा प्रेमी है कि फ्रूट बेचने वाला है, जिसको हर बात फ्रूट पे लेके आ रहा है. बेटे मुझे पहले ही बता दिया गया था कि तुम मेरी बेटी को प्यार करते हो. पापा, पापा. मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ. अच्छा, इससे तो सारे करना चाहते हैं. काम क्या करते हो आप? मैं फ्रूट बेचता हूँ पापा, आपने बोला अभी. बेटे फ्रूट तो ये हमारा है. मेरी बेटी की बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है, खर्चा बहुत है, क्या तुम उसका खर्चा उठा लोगे? काम क्या करते हो आप? पाइनएप्पल ले लो, केला ले लो. पापा आपको पता नहीं कितनी बार बोलूं, फ्रूट बेचता हूं मैं. तो फिर पाइनएप्पल ले लो, बेटी नहीं मिलेगी बेटे. ये देखो मेरी बेटी ऐसे फ्रूट खाती है, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा कैसे खुलता है. और तुम आ गए मेरी बेटी का हाथ मांगने, मैं तुम्हें अपनी बेटी की चप्पल भी नहीं दूंगा. देखो बहुत ही चपलता के साथ आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बैठे दो ना वहां पे थोड़ा सा. जो कोई बात कहीं पे भी घुमा दे, फल दो फल का शायर हूं. बाजी वॉर फिल्म उसने की है.
ये कहाँ पे मैंने वर का जिक्र किया? वर? अच्छा वर, अच्छा अच्छा उस हिसाब से हंसना था। आज यहाँ पे अभिषेक जी की धर्म पत्नी जी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। प्रज्ञा कपूर जी, प्रज्ञा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू शूटिंग देखने आई के नॉर्मल पत्नियों की तरह पति पे नजर रखने आई है कि गट्टू कहीं गट्टम गट्टू ना हो रहा हो कहीं? मैं गट्टू पे तो हमेशा एक नज़र रखती हूँ, लेकिन मुझे शूटिंग में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मुझे लगता है मैं यहाँ फ्री की सीट लेने आई थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा चंडीगढ़ करे आशिकी में ये जो भाई साहब हैं, इनको जिम में लड़की से प्यार हो जाता है। मैं आप सब दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि और ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको प्यार हुआ, या आपके पास जो भी किस्सा हो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो एवरीबॉडी, हेलो मैम, हाय, माय नेम इज ऋषभ मंगल, आई एम फ्रॉम कुशल मंगल। माय नेम इज ऋषभ मंगल, ऋषभ मंगल, यस। वाह यार, मैं पहली बार सुना ऐसा नाम। कहाँ से हैं ऋषभ आप? मैं राजस्थान से आया हूँ सर। अच्छा जी, रास्ते में रोका तो नहीं किसी ने? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जी जी ऋषभ, मेरे सबसे प्यार कहीं भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैंने अपने प्यार को कैटेगराइज किया हुआ है तीन पार्ट में। अच्छा जी, तीन भागों में कैटेगराइज किया, वाओ। बताइए बताइए। पहला आएगा फास्ट प्यार। फास्ट प्यार मतलब? यदि आपको फास्ट प्यार करना है तो आप ट्रेन में कर सकते हो, ऐसे देख के पसंद कर लो और ऐसे देखते जाओ। ऐसे बंदा फास्ट होगा तो उसको प्रपोज फास्ट कर देगा ना। हाँ, ट्रेन में। और लड़की फास्ट हुई तो वो भी फटाफट ना कर देगी। फिर और दूसरा सेकंड आएगा मीडियम, मीडियम प्यार, मीडियम। वाह, मीडियम प्यार आप शादियों में कर सकते हो। अच्छा, कि चार पाँच छह घंटे शादी चलेगी तो? अच्छा, रिसर्च देखो आप बंदे की। पांच पांच दिन तक चलती है शादियां। हैं? अच्छा, अलग अलग फंक्शन। अच्छा, ऑफ कोर्स। आप शादीशुदा है? ना 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 भाई। ना 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 ना, इतनी बड़ी ना कभी सुनी नहीं। और तीसरी कैटेगरी? तीसरी आप स्कूल में कर सकते हो, स्लो प्यार, आराम से फुल टाइम आपके पास सालों साल। या तो आप प्यार में पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। ये कौन है आपके साथ जो बैठे? ये बाहर से आई है। तो इस जगह पे आप प्यार को कौन सी कैटेगरी में बांटना चाहेंगे? ये फास्ट वाला कैटेगरी है, मीडियम है के फास्ट ही है? होगा तो आज होगा, आज के बाद में ऑडियंस में चले जाएंगे वापस कल तो घर। क्या बात है यार ऋषभ, कमाल हो यार ऋषभ। आप मुंबई में रहते हो कि वैसे घूमने आए हो? ना राजस्थान आपके लिए आए सर। हाय हाय, अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। ओके, ये क्या किया आपने? चल रहा असली है, हम नकली थोड़ा रखेंगे शूटिंग पे। हेलो जी। हाय कपिल। हेलो जी, मैं से आई लव यू। हां जी, मैं बहुत बड़ी आपकी फैन हूँ। अच्छा थैंक यू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है और ये सलीम है मेरे हस्बैंड। सलोनी और सलीम? या। अरे भाई साहब नमस्कार। अरे कोऑर्डिनेटेड, कलर कोऑर्डिनेटेड है। नहीं नहीं, इनके सूट में से कपड़ा बच गया था, कमीज बनवाई। नहीं नहीं, शादी हुई है, चार महीने ही हुए अभी। चार महीने हुए, इधर क्या कर रहे हो? कहीं ठंडी जगह जाओ घूमने। हाँ मतलब देखो आप, बहुत बहुत मुबारक आपको दोनों को। थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स लेने आए। कहाँ से आए आप? मुझे बड़ी अच्छी लगती है रियल लव स्टोरीज। हैदराबाद। अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो आपको। थैंक यू। और प्यार आपका दिख भी रहा है, कपड़ों की जो कोऑर्डिनेशन है ना आपकी। जी तो फिर कहाँ हुआ आपको प्यार? एक्चुअली इन्हें मुझसे प्यार जब मैं चप्पल उतार रही थी तब हुआ। चप्पल उतार रहे थे? चप्पल उतार रही थी तब? किसको मारने के लिए? चप्पल क्यों उतार रही थी आप? फुट फेटिश। मैं एक्चुअली मेरे घर में एंट्री कर रही थी चप्पल उतार। तो ये आपके घर के बाहर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बताइए बताइए। रिसेंटली हमारे भाई भाभी की शादी हुई थी। अच्छा, तो इनके घर पे पहली बार गया था और मैडम अंदर जा रहे थे। अच्छा, और जो अंदर जाने का अंदाज था, अंदर जा रहा था मैं, वो खुले बाल थे इस तरह से, तो वो घर पे जा रहे थे और मेरे दिल की घंटी बज गई इनको देख के, और प्यार हो गया पहली नजर। हैदराबादी जोड़ा, इतनी प्यारी बातें और दिल की घंटी बजी, बाल खुले चप्पल खुली। तो फिर आपने प्रपोज किया इनको जाके? नहीं जी, प्रपोज तो इसने किया था बाद में। मैंने सिर्फ डेट के लिए पूछा था, तो मैडम ने हाँ कर ली, फिर मैडम ने प्रपोज किया था, फिर मैंने हाँ कर दी,
तीन साल लगे मुझे अपने ससुर जी को मनाने के लिए. अच्छा, फाइनली हाँ कर दी. चार महीने हुए शादी में. चौथा हनीमून है हमारा ये. वाह, चार महीने के चार हनीमून. चौथा हनीमून. ये बोल रही थी इंडिया मुझे सारा घुमाना है. अच्छा, तो पूरा सारा इंडिया घुमा रहा हूँ मुझे. तो इंडिया घूमने के लिए तो सारी उम्र पड़ी. पहले हनीमून मनाइए आप आराम से. आई मीन जो भी आपकी फेवरेट जगह. पर बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. Thank you. Love you once again. Thank you. और हमारे कोई दोस्त जो अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो. हेलो एवरीवन. हाय, मेरा नाम पारितोष है. हाय पारितोष. और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्यार कहीं पे भी हो बहुत खूबसूरती से होता है. जैसे मुझे मेरा प्यार चाय की टपरी पे मिला. वाह. तो हुआ यूं, मेरे ऑफिस के नीचे ही चाय की टपरी थी और जो मेरी है उनका घर ऑफिस के सामने था. तो मेरा टी ब्रेक होता था नीचे और उनका ब्रेकफास्ट ब्रेक होता था उधर. तो हम दोनों साथ में मिलते थे. वो बहुत एटीट्यूड में आती थी. जब भी देखो ईगो में, कभी देख के मुस्कुराना नहीं, कुछ नहीं. हम लोग भी ऐसे ही चलते रहे दोस्त लोग के साथ में. हाँ, टुकड़ टुकड़ देखते थे. फिर ऐसे ही चलता रहा. फिर एक दिन उनका वॉलेट भूल गई घर पे. अच्छा जी. तो फिर मैंने बोला कि आप ले लीजिए अभी जैसा भी है. फिर ऐसे ही उनको लगा कि हाँ भाई ये क्या बोलते हैं छिछोरे टाइप लड़के नहीं है. और फिर हमारा सेटिंग हो गया. सेटिंग. सेटिंग. शादी हो गई आपकी उनके साथ? हाँ हो गई ना. वो सेटिंग. अच्छा, लाया था उसने. सेटिंग के साथ. नमस्कार जी. वाओ, सो क्यूट. हेलो सर. हेलो मैम. हाय. ऐसे हुआ था, इन्होंने ऐसे बोला कि छिछोरे. ये जो बोल रही है वर्ड एकदम करेक्ट है. बिकॉज जब मैंने देखा था, जब ये रोज आते थे फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसा लगता था कि छपरी लोग टपरी के ऊपर चाय पी रहे हैं. छपरी लोग टपरी पे चाय पी रहे हैं. स्टार्ट में तो ऐसे लगते भी थे एकदम खत्म से, मतलब खाली खाली से. खत्म. फिनिश. ओके टाटा. खत्म से मतलब? मतलब हैंगर के ऊपर शर्ट टांगा है ऐसा लगता था. अच्छा, अब तो फिट है. हां यस, अभी बेटर. शादी का 2.5 साल हो गया. अच्छा, खिला पिला के आपने. अच्छा जी. यस, दैट्स रीजन. मुझे ऐसा लगा था कि अच्छे नहीं है, बट जब उन्होंने पैसे ऑफर किए और उसके बाद से बातचीत शुरू हुई तो ऐसा लगा कि नहीं, अच्छे है, दिल के अच्छे है. बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर. नमस्कार सर. सर मेरा नाम सुनील अरोरा है और मैं यही मुंबई से हूँ. अच्छा जी. और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू सर, शुक्रिया. और आज खास आपके पास आने का रीजन ये है कि हम एक बाल आशा ट्रस्ट, एक हमारी संस्था है जो मुंबई में काम करती है. ओके. और हमारे यहाँ पे मुंबई में जितने भी बच्चे गुम जाते हैं अनफॉर्चुनेटली जी, चाहे वो रेलवे स्टेशंस हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, या कई बार अनफॉर्चुनेटली छोड़ दिए जाते हैं जी, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं. 24 आवर्स मुंबई पुलिस उनको लेकर आती है और ऐसे बच्चों की हम देखभाल करते हैं. अब उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो HIV पॉजिटिव होते हैं, हेपेटाइटिस पॉजिटिव, सेरेब्रल पॉल्सी, रिटार्डेशन, ऐसे बहुत से बच्चों की देखभाल हमारी बाल आशा ट्रस्ट करती है. और सर ये महीना जो है इसको अडॉप्शन अवेयरनेस मंथ भी बोला जाता है अपने देश के अंदर और खास करके वर्ल्ड के अंदर, कि अडॉप्शन के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके. क्योंकि जब चाइल्ड अडॉप्शन अगर कोई भी करना चाहे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सही प्रोसेस है, कारा नाम की जो संस्था है, उन्हीं से अडॉप्शन करना चाहिए. तो अपने देश में इलीगल अडॉप्शन नहीं होना चाहिए और सिर्फ लीगल अडॉप्शन होना चाहिए. सर हमारे पास एक एक दिन के बच्चे आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें ये बात करने के लिए, बिकॉज वी हैव प्रज्ञा कपूर ओवर हियर एंड प्रज्ञा जी हैज सीन अवर वर्क, हमारा काम देख चुकी है, हमारी संस्था में वो आ चुकी है. तो ये बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हम बाल आशा ट्रस्ट के बारे में बता सकें. और मेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे कॉलीग्स भी हैं और ये सारे बच्चे जो हमारे बाल आशा ट्रस्ट के हैं ये भी यहाँ पे आए हुए हैं. और अगर आप इजाज़त देंगे तो हमारा एक अडॉप्शन का पोस्टर है जो आपको और आयुष्मान सर और वाणी मैम को हम लोग देना चाहेंगे. प्लीज प्लीज सर. हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप? हाय हाय. हाय. हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाय, क्या नाम है आपका? नमस्कार. तन्वी. और आपका? हाय मेघना. जब हम अडॉप्शन के बारे में सोचते हैं तो वी ऑलवेज थिंक कि ऐसे ही बच्चों का अडॉप्शन होता है कि जो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही यू नो गोरे चिट्टे या बबली होते हैं. लेकिन हमारी संस्था ने
ऐसे बच्चों का लीगल अडॉप्शन करके दिखाया है जो 6 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के, 12 साल के हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से अडॉप्शन में घर में जा सकते हैं, उनको भी फैमिली की जरूरत है। सर जी आप बड़ा ही खूबसूरत और नोबल काम कर रहे हैं आप, आपके साथ ही आपकी संस्था, मैं और तो क्या कह सकता हूँ कि धन्यवाद कर सकता हूँ कि इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। थैंक यू। और सिर्फ लास्ट में एक बात जरूर कहूँगा कि जो बाल आश्रय ट्रस्ट में जो हमारी टीम है, जब कोविड के अंदर घर से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसी बहुत सी औरतें हैं सर जो संस्थाओं में जाके इन छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही थी, और मतलब आई रिमेम्बर यू हैड ऑल्सो कम प्रज्ञा वेयर कि जहाँ पे ये बच्चों माँ के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको कौन संभालेगा एक एक दिन का जब बच्चा आता है। तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जैसे बाल आश्रय ट्रस्ट के अंदर जो इन बच्चों को रोज संभाल रही है, तो सीरियसली उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड वी वुड रियली लाइक टू गिव दिस टू यू। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। प्रज्ञा, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत लोगों से मिलवाने के लिए। मैं एक्चुअली सुनील जी को काफ़ी वक्त से जानती हूँ, जब मैं इनसे पहली बार बात की थी, क्योंकि मैंने गिफ्ट देना बंद किया था बर्थडे पार्टीज में, तो मैंने सुनील जी से पूछा कि मैं दूसरे बच्चों को गिफ्ट देने की बजाय मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूँ कुछ और आपको कोई गिफ्ट दे सकूँ उनकी तरफ से। और मुझे याद है जब मैं पहली बार गई थी, इट वॉज़ जस्ट सो हार्ट वार्मिंग। मैं बहुत रोई भी थी क्योंकि इतना मतलब इतना दिल से काम करते हैं सब, अपनी पूरी जान लगाते थे, इतने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। आई एम सो प्राउड सुनील फॉर द वर्क यू डू एंड ओवर ऑल द चिल्ड्रन एंड द एंटायर स्टाफ ऑफ बाल आशा। यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सुनील जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बच्चों से मिलके, और थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, धन्यवाद। बाय 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 बेटा। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, कितना अच्छा डांस करते। तुम गोविंदा का कुछ लगता है क्या? नहीं? और तुम कैसा डांस करते है? तुम कपिल का कुछ लगता है क्या? खैर, ऐसा करते करते तुम्हारा चार्ज खत्म हो गया होगा, अपने आप को चार्जिंग पे लगाओ। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वाह, सलाम सलाम, कैसा है आप लोग? खैर मैं बताऊं, मैं आज बहुत मूड खराब है माधव। क्या हुआ? अरे हमारा ऊंट चोरी हो गया यार। तो यहाँ क्यों आया? पुलिस में जाओ ना आप। तो पुलिस में मैं गया था, वो कहते हैं पुलिस में तुम भर्ती नहीं हो सकता है। नहीं, ऊंट के लिए। अरे जब मैं भर्ती नहीं हो सकता तो ऊंट को कैसे भर्ती करेगा यार? जोक का मजा नहीं आया? खैर कोई बात नहीं, जोक दुबई से आया ना, इधर आते आते ठंडा हो जाता है कभी कभी। खैर, चंडीगढ़ करे आशिकी, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। एक बात बताऊं दिल से, मेरे को बहुत गट फीलिंग था कि आज प्रमोशन पे आप दोनों जरूर आएगा। कैसे? और आपके लिए तो गट्टू फीलिंग था कि आप भी जरूर आएगा। तो गट्टू जी, आप इस पिक्चर का डायरेक्टर है कि प्रोड्यूसर है? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हो आप जी? तो प्रोड्यूसर कौन है? मेरी धर्मपत्नी है। अरे वाह, माशाल्लाह, प्रज्ञा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। पैसा आपका लगा है? हेलो हेलो शेख साहब। हाँ। आप लाइट के ऊपर खड़े होंगे, धोती आपकी ट्रांसफर। हाँ, मैं आप प्रोड्यूसर है, पैसा आपका लगा है, तो इनको बिताओ ना ऊपर, उनको नीचे बिताओ यार। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आता है। सॉरी, वो क्या बाहर से आया ना, लोगों को जेट लैग लगता है, मेरे को ऊंट लैग लग गया। बस कर रहा हूँ, बस कर। क्या बात है वाणी जी, हम आपको बहुत बड़ा फैन है। मैं इनको जब पहली बार देखा था तब मैं 75 का था। आप तो 35-40 से ऊपर नहीं लगते? नहीं नहीं, वेट का बात कर रहा है। मैं सब जिम में वेट चेक कर रहा था, ये टीवी पर आया, माशाल्लाह, हमने बोला क्या लगता है, क्या लगता है ना, कितना फिट है, कम से कम 6 फिट का तो होगा। मजा नहीं आया? कोई बात नहीं, दुबई से आया ना, आते आते कभी कभी बात ठंडा हो जाता है। खैर एनीवेज, आपको याद है आप इधर पहले
अक्षय कुमार के साथ आया था, आपको याद है? हाँ, उनको याद है। क्यों याद करता है? अक्षय कुमार जब कतरीना के साथ आया था उन्होंने आपको याद नहीं किया था, उनको बात याद करो। देर क्या बात है आयुष्मान, इनका बारे में एक चीज बोलेंगे, बॉलीवुड का पहला हीरो है जो सीएनजी पे चलता है। सीएनजी पे मतलब? अरे मैंने पिक्चर का ट्रेलर देखा, उसमें ऐसा वेट उठाता है, पीछे से गैस निकलता है। क्या बात है माशाल्लाह। If you guys don't mind, मैं अपना ऊंट उधर पार्क कर दूं। ऊंट तो चोरी हो गया था। मैं अजय देवगन का फैन है ना, मैं एक नहीं दो दो ऊंट पे आता है। अच्छा। तुमको प्रॉब्लम है? नहीं ना, तो मैं अपना ऊंट उधर पार्क करते, प्लीज डोंट माइंड। एक कैसा है? आ और कैसा बच्चा? अच्छा तुम्हारा जो है ना कैमरा उधर है, ठीक है, उधर सब रिएक्शन देना, ओके? हाँ, क्योंकि क्या है, हमारे शो में जो रिएक्शन नहीं देता है ना वो टीवी पे नहीं आता है। अब जब मैं जोक मारूंगा जोर से हंसना, अगर तुम नहीं हंसा तो टीवी पर तुम्हारा एडिट हो जाएगा। शेख साहब, नहीं नहीं मैं इसको बोल रहा है, गेस्ट तो बहुत अच्छा आया, क्या रिएक्शन दे रहा, आज रिएक्शन देने वाला गेस्ट है। शेख साहब क्यों फालतू की बातें कर रहे हो आप? हाँ तो वो फालतू है हमारा, उसके साथ फालतू की बात करेगा ना और क्या करेगा हम उसके साथ। अखेर हमको एक बात जानना था, आप एक रमेश नाम का आदमी को जानता है जो पूजा से प्यार करता है? क्यों? एक रमेश आदमी है वो बुर्ज खलीफा पे उधर ऐसा चौक से बड़ा लिख दिया रमेश लव्स पूजा और नीचे नंबर लिख दिया, बहुत बहुत बुरा लगा हमको। आपको इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? अरे हम उस नंबर पे पूरा रात मैसेज किया, आई लव यू आई लव यू, फिर हमको रिटर्न भी आया वहां से आई लव यू टू, लेकिन बाद में वो राजू का नंबर निकला। ये क्या बात हुआ यार। शेख साहब उनकी फिल्म आ रही है उसकी कोई बात करो। हाँ चंडीगढ़ करे आशिकी, हमको सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ चंडीगढ़ क्यों करे आशिकी, दुबई क्यों नहीं करे आशिकी? आपको पता है कुछ आशिकी के बारे में? हमारा 12-12 बच्चा है। तुमको क्या लगता है बिना आशिकी के हो जाता है? क्या बात कर रहे। खैर वानी जी, मैंने आपका बेफिक्रे देखी और मेरे भाई को खुशी हुई। फिल्म आपने देखी और भाई को क्यों खुशी हुई? नहीं मैं समझाते, पता क्या है, हमारे दुबई में बहुत 12 बंगले है ना, 12 बंगले है, उसमें मैं और मेरा भाई उसका बीबी के साथ साथ में रहता है। और हमारे बंगले में 5-5 टॉयलेट थे और टॉयलेट में हम जेट स्की भी लगाया, जेट स्प्रे रहता है ना वो लगाया, हमारा बहुत बड़ा बैल्कनी है और हमारा पार्किंग भी बहुत बड़ा है उधर। नहीं तो बेफिक्रे आने से आपके भाई को कैसे खुशी हुई? जब बेफिक्रे आपका रिलीज हुआ तो मैं बेफिक्रे देखने के लिए थिएटर में चला गया और मेरा जो भाई है वो बीबी के साथ अकेला था घर पे, तो वो बेफिक्रे हो गया, ठीक है। फिर तो हमने आपको बताया उधर बालकनी है, पार्किंग है, 5-5 बाथरूम है उधर। बार बार वही बात क्यों बता रहे हैं आप? फालतू की बातें कर रहे हैं। देखो मैं जोक क्लियर किया कि नहीं? मैं बेफिक्रे देखने के लिए गया और जो मेरा भाई है उसको 9 महीने बाद खुशी हुई। अच्छा आपकी फालतू की बात शेख साहब। नहीं नहीं अभी और फालतू की बातें बाकी है। खैर आपको क्या बताए, आपको तो दुबई में बहुत मानता है हम लोग, और आपका जो भाई है अपर शक्ति, क्या बात है माशा, उसका ऐसा दाढ़ी है, क्या मस्त एक्टर है वो, उसको भी अपर शक्ति को भी दुबई में बहुत लोग मानता है। क्या मानता है? इनका भाई मानता है। बहुत अच्छा। खैर मैं आपका पिक्चर देखी, मैं वो शुभ मंगल सावधान, क्या कमाल का पिक्चर है, उसमें वो आप चाय में ऐसा बिस्कुट डालता है और वो टूट के गिर जाता है, हम भी एक दिन चाय पी रहा था उसमें वो खजूर टूट के गिर गया। खजूर कैसे टूट सकता है चाय में? अरे मैं खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहा था ना, तो खजूर टूट के उसमें गिर गया, ऐसा बोल। आयुष्मान जी हम आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, माशाल्लाह कमाल करते हैं आप। आज शाम को आप फ्री है? हाँ फ्री है, बताओ क्या है? हाँ तो इनको घुमाने ले जाओ ना, मेरे को वानी के साथ डिनर करने जाना। वो नहीं आएंगे आपके साथ?
अरे क्यों नहीं आएंगे, हम छोटा मोटा आदमी नहीं है वाणी जी, आप बहुत बड़े हैं। अरे हमारे दुबई में चार चार चूहा का कुआं है। चूहा का कुआं? तेल का कुआं होता है? हाँ तो तेल सूख गया ना, अब चूहा ही घूमता है उधर। और ये तो कुछ भी नहीं है। क्या ये तो पड़ा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या छोटा छोटा एप्पल है, दुबई में तो इतना बड़ा बड़ा एप्पल होता है। अच्छा हाँ, और खजूर? खजूर भी बड़ा बड़ा होता है? नहीं, खजूर अपने साइज का ही रहता है। खैर मैं आपके लिए दुबई से स्पेशल लस्सी लेकर आया। लस्सी तो पंजाब से आती है स्पेशल। हाँ तो मैं वाया पंजाब आया हूँ ना। ये तो कुछ भी नहीं, पिछली बार तो इडली डोसा मेदू वड़ा ये सब लेकर आया था। मतलब वाया केरल आया, साउथ से? नहीं, उसमें वाया आने की जरूरत नहीं, दुबई में पूरा केरल बसा हुआ। इतना साउथ इंडियन है दुबई में कि अभी जो खजूर है ना वो भी ऐसा छेद वाला आता है मेदू वड़ा के जैसा। हो गया आपका? हाँ हो गया ना, 12-12 बच्चा हो गया, बताया था ना 12 हो गया। अब इनका पिक्चर देखेगा तो 13 भी होगा, और मैं पिक्चर देखेगा तो मेरा भी होगा। फिर आप लोग का पिक्चर तो सुपर हिट होने वाला है। मेरा जो ऊंट है ये नंगा पैर आया उधर से, अगर आप इसको एक जूता पहना दे तो बहुत खुश हो जाएगा, दुआ देगा पिक्चर और हिट होगा। एक मिनट आइए मैं बता दे। ये देखो, ये इधर बैठा है, इसको प्लीज जूता पहना दे। जूता छोटा नहीं उसके लिए? नहीं नहीं, उसका पैर छोटा है। आप पहन। अरे ये क्या कर रहे, झुकना थोड़ी, वो ऐसे बैठा हुआ है। पर ऐसा डॉग्स बैठते हैं, ऊंट कभी वैसे देखा नहीं। हाँ तो कुत्ते का बच्चा है, इसको बहुत गाली देता है। आप पहनाओ इसको। चलो पहनाओ उसको। लेफ्ट वाला पैर में पहनो इधर। ये राइट का है? नहीं नहीं, वो ऐसा बैठा है ना। आप पहनाओ उसको। ओह गॉड, ओह नो। अरे ये किधर पहना दिया आपने? किधर पहना दिया? वो बोलेगा कैसे, मुंह पे डाल दिया आपने जूता। खैर छोड़ो, जाने दो, वो बहुत अपसेट हो जाएगा। हाँ। जूता बाद में पहनाएगा, आप उसका सवारी करो हमारे साथ में, बहुत मजा आएगा। तो अगर ऐसे बैठे तो फिर मेरे को नीचे घुसना पड़ेगा। कहाँ बैठा है वो, तो खड़ा हो गया, देखो इधर है उसका मुंह, मुंह तो इधर है उसका। अच्छा खड़ा हो गया। हाँ तुम चढ़ेंगे? बैठो नीचे, बैठो। हाँ ये आ गया, बैठ गया नीचे, आ जाओ हम लोग दोनों। ये बताओ उसका मुंह किस तरफ है? इधर है कि उधर है? इसी तरफ है, हम अपना जोक कभी रिपीट नहीं करते। इधर इधर ही है उसका मुंह, इधर ही है। किस तरफ फेसिंग है उसकी? उस तरफ फेसिंग, उधर जाना है। चलो आ जाओ साथ में बैठो। मैं आ गया, पीछे कैसे? नहीं साथ में इधर। उसका उसका वो उंटा बहुत बड़ा है सर। उंटा? वाह वाह, क्या बात है माशाल्लाह। अब ये आपको बहुत दुआ देगा, देखना पिक्चर आपका थिएटर में लग रहा है। 500-600 करोड़ किधर नहीं गया आपका, माशाल्लाह, बहुत जोरदार ताली होगी। आप लोग का पिक्चर का ट्रेलर देखा, माशाल्लाह क्या गाने, क्या डांस किया है आप लोगों ने, इसीलिए मैं आज प्रज्ञा जी के साथ डांस करना चाहता हूं। क्योंकि क्या है, देखो प्रोड्यूसर वो है और प्रोड्यूसर ही भगवान होता है। क्या पता नेक्स्ट पिक्चर में कास्ट कर ले। आयुष्मान बाजी, वाणी, प्रज्ञा, अभिषेक सर, बहुत बहुत मुबारक और ऑल द बेस्ट, और आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बड़ा मजा आया आज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, कोरोना का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, और ज्यादा भीड़ भाड़ करने से बचें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.